फरीदाबाद के लोग एक तरफ भीषण गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरफला गांव के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से हरफला गांव में पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते गांव के लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। मेरा नाम सिद्ध सरपंच है, एक सरपंच रहा हूँ पिछली योजना में 10 से 15 तक। सरपंच साहब, जिस तरीके से देख रहे हैं लगभग 10 से 15 दिन हो गए, ये शिकायत हमारे पास आ रही है पानी, क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, कब से आ रही है? दिक्कत क्या थी, 4 तारीख के आसपास सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर एक्सएलएन साहब के पास पहुँचे भी हैं, सारी कंप्लेंट दे के भी आए, पर अभी तक भी कुछ उसको समाधान नहीं सुना। कि 2 दिन पहले कोई इनका जय क्या नाम हंसराज आया था, उसने भी गाँव में आकर बैठ कर देखा है, उन्होंने गाँव में आकर बैठ कर देखा तो डेली पानी गाँव में आ नहीं रहा। गाँव के लोग कोई बेचारा, कब से दिक्कत आ रही है पानी नहीं आ रहा? कम से कम 15 दिन हो गए जिस बात को चलते हुए, 15 दिन हो गए। 15 दिन से गांव मतलब परेशान है, कोई मोहरा से पानी लेके आ रहा है, कोई हफड़ी से लेके आ रहा है, कोई बेचारा मोड़ पी रहा है। आज 15 दिन से ये काम चल रहा है गांव के अंदर। अपने बिजी काम को लेकर के कह सकते हैं, जो आपने रोजानदारी जो काम है उनको किस तरीके से कर रहे हैं पानी के बगैर? सब मोड़ ले रहे जी, पानी गाड़ियाँ आती हैं, वो क्या नाम है बसने वाले पानी लेते हैं। विधायक से कोई शिकायत नहीं? विधायक पास अपने तौर पर करें, लोग जो उनसे टच है विधायक जी साहब, उन्होंने सबने कॉल कर रखी है, कहते भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं गांव को हमारे पानी मिले, बड़ी समस्या आ रही है जनजीवन, सारे बच्चों का, भैंसों का, सबका, पक्षियों का, गर्मी का सारा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है? मेरा नाम पतराम है। पतराम कौन से गांव से? गांव हरफला सयू में। हमारे समस्या आ रही है गांव में? हमारे गांव में एक नहीं दो दो समस्या आ रही हैं। पहले तो पानी के जो अभी बताई है हमारे नंबरदार जी ने, ना तो फिरने में चारों तरफ पूरे पैप डले, जो 6 इंची डलने थे 4 इंची डले आधी में, और ना ही आधे कनेक्शन हुए गांव के। एप्लीकेशन भी दे दी, कई बार मुंह जबानी भी बोल लिया, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब क्या समस्या आ रही है? फिलहाल पानी भी नहीं है और बिजली भी, दोनों ही चीज हमारे गांव में खराब है। परसों हमने मंत्री जी आए थे हमारे पंचायत के, देवेंद्र बबली जी, उनको भी लिखत में देख आए हैं भनकपुर गाँव में। अब देखते हैं कब तक आएगी, अभी तो अंधेरे में गाँव में आदत, गाँव के चारों तरफ ताल लूज है, सर्विसें फुकी हुई हैं। नंबरदार वाली साइड में जो नई सर्विस गिरी है उसका एक फेस निकाल रहा है, 2 वाइस दिन तक खराब है। पानी की क्या समस्या? पानी अभी तक नहीं पहुंचा है 15 दिन से। तो क्या इस पानी की कोई शिकायत दी है? पानी की शिकायत जेई साहब को अलग देखा है, सेक्टर 7 हेल्थ डिपार्टमेंट में, और मंत्री जी को अलग देखा है परसों। क्या कहा है? आश्वासन दिया है बस, अभी तक कोई पानी नहीं। कहां से पानी की पूर्ति कर रहे हैं? गांव सीकरी से हमारी सप्लाई है, हमारे गांव का कोई अपना निजी तो पानी है नहीं, सीकरी से हमारी पानी नहीं आ रहा। हमारे गांव अरबला में पिछले करीब 1 महीने से वाटर सप्लाई की एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा, जमीन का पानी हमारा खा रहा है, और इस पानी के कारण जो हमारे गांव में जनजीवन दुर्बर हो रहा है। पशुओं के लिए पानी पीने के लिए नहीं है, इंसानों के लिए पानी पीने के लिए नहीं है, मोल का पानी पी रहे हैं, प्रति व्यक्ति कम से कम 200 रुपये 250 रुपये का मोल पानी हर आदमी खरीद के पी रहा है। मेन वजह क्या रही है इसकी, कि हमारे गांव में सीकरी गांव से जो है ना मेन लाइन पानी की आई हुई है, तो सीकरी गांव के चौराहे पर अभी जो CNG PNG गैस का जो काम हुआ था, वो गैस वालों ने जो मेन लाइन, उनसे वो गलती से ब्रेक होगी, और उस लाइन को जोड़ते वक्त उसमें किसी आदमी ने शरारत करी है, या गलती से उन पर कोई मटेरियल उसमें रह गया लाइन में, और वो पानी की जो लाइन थी वो वाल से ब्लॉक होगी। इसे कोई शिकायत नहीं करी आपने JSDO या विधायक से? हाँ, हम अभी 4-5 दिन पहले गांव के 10-20 लोग व्यक्ति, एक सरपंच, नंबरदार वगैरह जो है एक्शन के पास गए थे सेक्टर 7 में, और वहाँ SDO साहब से, जेई साहब से मिले थे, और वहाँ पर हमने कंप्लेंट अपनी रिटर्न में दी थी। तो उसके बाद कल उनका एक फोरमैन हंसराज करके वो पानी चेक करने भी आया था, परंतु उसको भी यही मिला कि पानी गांव में नहीं आ रहा है, और अभी तक उस कंप्लेंट पर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई है। कितने दिन हो गए कंप्लेंट को? कंप्लेंट को करीब 1 सप्ताह हो गया। ऐसे भीषण गर्मी में जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त? बस गुजारा कर रहे हैं, बोल पानी पी रहे हैं, पैसे खर्च करके, बाकी जो जमीन का जो फारे पानी है उसको पी के मजबूर हो रहे हैं। कितने दिन हो गए इस कंप्लेंट को दिए, जो जिस पर कार्रवाई नहीं हुई? करीब 7 दिन हो गए हमें कंप्लेंट। हाँ जी, हमें चाहते हैं कि भाई ये हमारी अधिकारी बात को सुने, पानी का इंतजाम करें, वरना फिर आगे हम अभी आपके माध्यम से ही खबर देना चाहते हैं, फिर आगे उच्च अफसरों को, चंडीगढ़ CM तक जो बात ये पहुँचाई जाएगी। विधायक से शिकायत नहीं की आपने? नहीं, विधायक से कुछ लोगों ने अपने तौर पर बात की है, सामूहिक अभी बात नहीं हुई है। कोई समाधान जब नहीं, अभी तक कोई समाधान नहीं है गांव में जी, पानी नहीं आ रहा आज 15-20 दिन हो गए। कौन सा गांव है ये? हरफला। किस वजह से, क्या दिक्कतें आ रही है, मतलब किस तरीके से पानी नहीं आ रहा? पता नहीं जी, पहले सीकरी से पानी आ गया हमारे यहाँ, और फिर वहाँ कोई लाइन टूटी 15-20 दिन पहले, और लाइन में पता नहीं क्या परेशानी आई, वहाँ से पानी आना बंद हो गया।
क्या शिकायत नहीं करी इस चीज़ की? शिकायत करी हमने वहाँ एक्शन साहब के एस डी ओ के यहाँ, सुखबीर सिंह जे ही है, वो भी मिले हो, एस डी ओ मिले हो, वहाँ एप्लीकेशन देखा है हम, आपको नंबर वगैरह लगवाए कहाँ है। हाँ क्या मतलब यहाँ गांव में आए वो? गांव में कोई ना आयो, एक हंसराज नाम को फोरमैन लगा लिया, कोई लगा लिया, वो आयो यहाँ। अच्छा। पानी आकर के बस्टर पे देखो तो यहाँ बिल्कुल पानी ना आ रहा, कोई बूंद थोड़ा थोड़ा पानी आया। अच्छा। फिर वो देख के गया, फिर वहाँ ने कही मैं यही लिए आया हूँ या समस्या के लिए, मैंने कहा जी हमें तो पानी चाहिए। तो अब कहाँ से पूर्ति कर रहे, जैसे पानी नहीं आ रहा 15 दिन से, कहाँ से पानी? हम तो वो से ले रहे हैं पानी, ये बोल रहे हैं ये आर ओ को पानी ले रहे हैं, आ रहे हैं टैंकर वगैरह, ये पैसे से डलवा रहे हैं पानी, पैसे से पी रहे हैं पानी। इतनी इतनी गर्मी में पानी से मतलब पैसों से पानी ले रहे हैं तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। काफ़ी दिक्कत आ रही, सारे गाँव में दिक्कत आ रही है। क्या चाहते हो? हमें तो पानी चाहिए जी। हमारे यहाँ भरतपुर में भी मनोहर लाल जी ने बोला खट्टर ने, वही हम दूधवाला से पानी भेज रहे हैं, वहाँ से पानी भेज रहे हैं, आज तक वहाँ से भी हमारी कोई सुनाई ना हुई, वहाँ से भी लाइन दब गई पर पानी वहाँ से ना मिल रहा हमें, ना हमें सीकरी से पानी मिल रहा। नरेश जी क्या दिक्कत आ रही है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा है, 10 दिन हो गए, बिल्कुल तराई तराई मची हुई है पानी के विषय में। गांव का कोई सरपंच या कोई भी कुछ नहीं कर रहा, कई बार उनसे बोला भी है पर बाकी कोई इसके बारे में कोई वो सोल्यूशन नहीं है। मोल भरवा रहे हैं जी पानी की, मोल भरवा, हाँ बिस्लरी का कोई आता क्या? है तो उससे भरवा रहे हैं पीने के लिए जी। तो कब से दिक्कत आ रही है, कितने गाँव में ये दिक्कत आ रही है? फिलहाल तो हमारे गाँव में है जी, हम तो अपने गाँव की बता सकते हैं। तो पिछले 10 दिन से परेशान हाँ जी। आप लोगों को शिकायत नहीं की, कोई विधायक वगैरह शायद गए हुए भी, सीकरी जो बूस्टर है जेई वगैरह से बोला भी है पर अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। 10 दिन से परेशान हाँ जी। 10 दिन क्या चाहते हैं आप? यही है पानी आना चाहिए जी।